इमेजिन करें कि आपके वालिद आपको आपकी ग्रेजुएशन के दिन एक गिफ्ट देते हैं, एक महंगी घड़ी। लेकिन ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है, ये आपके वालिद ने अपनी जिंदगी की पहली कमाई से खरीदी है और आपको उन्होंने आपके नहायत ही अहम दिन पर आपको तोहफे में दे दी। फॉर श्योर आपके लिए ये बहुत कीमती है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस घड़ी का कोई मोल नहीं है और आपके लिए जान से भी ज्यादा अजीज है, क्योंकि जब आप इसको देखते हैं तो ये आपको आपके वालिद की मेहनत और लगन की याद दिलाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको पता लगता है कि इसके ऊपर का शीशा थोड़ा चटक गया है, तो आप वॉच मेकर के पास जाकर उसको रिप्लेस करवा देते हैं। आप खुश हैं कि आपने अपने वालिद की निशानी के लिए जिम्मेदारी दिखाई है, लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी तीनों सुइयां काम करना बंद कर देती हैं और आप फिर वॉच मेकर को जाके इसको दिखाते हैं। वॉच मेकर आपको ये कहता है कि ये तीनों नीडल्स चेंज करवानी पड़ेंगी। अच्छी बात यह है कि वॉचमेकर के पास भी ऐसे ही तीन नीडल्स मौजूद हैं और वो आपको देने को तैयार हो गया है। आप खुशी खुशी घर आते हैं कि शुक्र है कि वैसे ही तीन सुइयां मिल गईं जैसे पहले थीं। और जब आप उस घड़ी को चलते हुए देखते हैं तो आपके वालिद का चेहरा आपके सामने आ जाता है और आप दिल ही दिल में कहते हैं कि मैं इस घड़ी को अपने से दूर नहीं करूंगा। और फिर एक साल के बाद उसकी इंटरनल मशीन भी काम करना बंद कर देती है। आप फिर उस वॉचमेकर के पास जाते हैं और वो उसके अंदर उसी तरह के मॉडल की मशीन लगा देता है। ये इंटरनल मशीन मिलना आसान नहीं थी, क्योंकि इस घड़ी की कंपनी अब ऐसी घड़ियां नहीं बनाती है। लेकिन घड़ी वाले ने बहुत ढूंढ ढांड कर आपके लिए सेम मशीन ढूंढी है, क्योंकि उसे भी अंदाजा है कि ये घड़ी आपके लिए कितनी अहमियत की हामिल है। आप इस घड़ी को रोजाना पहनते हैं, जिसकी वजह से इसकी घड़ी का स्ट्रैप फटने लगा है। लेकिन आप इस घड़ी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप इसको दराज में नहीं रखना चाहते, तो आप वॉचमेकर के पास जाके उसी रंग का, उसी मटेरियल का, उसी मॉडल का स्ट्रैप लगवा लेते हैं। आपको इस घड़ी को रखते हुए 10 साल से ऊपर हो गए हैं और आप आज एक कामयाब शख्स हैं कि आपने अपनी जड़ों से रابطہ नहीं तोड़ा है। और यही नहीं, आपने अपनी लाइफ के बहुत ही अहम फैसलों के दरमियान उस घड़ी को देखते हुए फैसले भी लिए हैं। लेकिन आज आपका वॉचमेकर आपके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी घड़ी की मशीन को मैंने फिक्स कर दिया, इसके स्ट्रैप को मैंने रफू कर दिया और शीशे को मैंने पॉलिश करके नॉर्मल कर दिया और वही सेम नीडल्स अब काम करने लगी हैं, तो मैंने उन सारे पार्ट से वापस उस घड़ी को बना दिया। तो सवाल ये आता है कि आपके वालिद की असली घड़ी कौन सी है, वो जो आपके हाथ में है या वो जो कि वॉचमेकर आपको दिखा रहा है। क्या आप 10 साल तक अपने वालिद की घड़ी के साथ थे या 10 साल तक आपके वालिद की घड़ी आपसे दूर थी? और ये कहलाता है पैराडॉक्स। आज हम जानेंगे कि पैराडॉक्स क्या होता है और कुछ पैराडॉक्स की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। दिस इज गौर रिज़वी एंड यू आर ऑन माय चैनल। पैराडॉक्स एक ऐसी चीज होते हैं जो कि लॉजिकली सही लगते हैं, उनकी साख्त और बुनियाद सही होती है, अकल पर पूरी उतरती है, लेकिन वो अपने आप से ही कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं, यानी अपने आप के ही मुतजाद हो जाते हैं, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में बताया। इसके दो पहलू होते हैं और जब आप दोनों पहलुओं को देखते हैं तो आपको दोनों पहलू मंतकी, सही और इस्तदलाल में नजर आते हैं, लॉजिकल एंड रीजनल नजर आते हैं, लेकिन दोनों पहलू एक दूसरे के मुतजाद होते हैं। जो एग्जांपल मैंने आपको वीडियो के शुरू में दी, उसको शिप ऑफ थीसियस का नाम दिया जाता है कि अगर एक शिप के एक एक पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या ये वही शिप होगी, और अगर बाकी पार्ट से एक न्यू शिप बना दी जाए तो क्या न्यू शिप रियल शिप कहलाएगी या पुरानी शिप रियल शिप कहलाएगी। लेट्स चेक अनदर पैराडॉक्स। मेरे पास मट्टी का एक ढेर है। हर कोई इससे अग्री करेगा कि ये एक मट्टी का ढेर है, लेकिन अगर मैं इसमें से थोड़ी सी मट्टी को अलग कर दूं तो क्या ये अभी भी मट्टी का ढेर है? आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स, ओके, मगर मैं थोड़ी और मट्टी अलग कर दूं तो क्या ये अभी भी मट्टी का ढेर है? और अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको अलग करता रहूं तो कब ये मट्टी का ढेर नहीं रहेगा? क्या ये स्टिल मट्टी का ढेर है या ये स्टिल मट्टी का ढेर कहलाने के लायक है? हत्ता कि मैं एक जर्रे तक ले जाऊं, वो कौन सा पॉइंट है कि जब आप कहेंगे कि ये मट्टी का ढेर नहीं रहा? ऐसे ही मेरे पास एक मट्टी का जर्रा है और मैं उसमें एक और जर्रा ऐड कर देता हूं, तो क्या ये मट्टी का ढेर है? आप कहेंगे कि ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन मैं इसी में आहिस्ता आहिस्ता जर्रे ऐड करता रहता हूं तो कब जाकर ये मट्टी का ढेर कहलाएगा? पैराडॉक्स, क्योंकि आप इस मामले को सॉल्व करने की जितनी भी कोशिश करें,
कोई ना कोई आपकी इस बात से डिसएग्री कर रहा होगा, लेकिन इनिशियल बात को हर कोई मानेगा। लेट्स लुक इनटू अनदर पैराडॉक्स। हम आज अच्छे से जानते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। आइंस्टाइन की थ्योरी सजेस्ट करती है कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं, और कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि हम पास्ट में भी ट्रेवल कर सकते हैं। और यहां आ जाता है पैराडॉक्स, जिसको कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। आपको एक टाइम ट्रेवलिंग मशीन मिलती है जो कि आपको माजी में ले जा सकती है। आप माजी में जाकर अपने दादा का उनके बचपन में ही कत्ल कर देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपके दादा का अगर कत्ल हो गया है तो मींस कि उनकी शादी नहीं हुई, और उनकी शादी नहीं हुई तो मींस कि आपके वालिद पैदा नहीं हुए, और वो पैदा नहीं हुए तो आप पैदा नहीं हुए, तो फिर किसने माजी में जाकर उन्हें कत्ल किया? और ये आ जाता है पैराडॉक्स। अगर आपने कत्ल किया तो मींस कि आपको पैदा ही नहीं होना चाहिए, और अगर आप पैदा हो गए हैं तो इसका मतलब ये कि आपने कत्ल नहीं किया। और ये पैराडॉक्स अपने आप को रिपीट करता रहता है और सीरियसली दिमाग की दही बना देता है। लेट्स लुक इनटू अनदर पैराडॉक्स। इट्स कॉल्ड अनस्टॉपेबल फोर्स पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स तकरीबन 2300 साल पुराना है। ये चाइना से इमर्ज हुआ। पैराडॉक्स कुछ ऐसे चलता है। हमारे पास एक ढाल यानी कि शील्ड है, और एक भाला यानी कि स्पीयर है, लेकिन ये भाला थोड़ा स्पेशल है। ये भाला जिस चीज पर फेंका जाए वो उस चीज को चाक कर देगा, और ढाल भी कोई आम ढाल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ढाल है कि जिस पर कुछ भी फेंका जाए तो ये उसको रोक लेगी। सवाल ये आता है कि अगर इस भाले को इस ढाल पर फेंका जाए तो क्या होगा, और इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। What will happen when unstoppable force meets the immovable object? Paradox. आप इसको जितना भी सोचें, आप इसका जवाब नहीं दे सकते। Minute Physics ने इस पर एक वीडियो बनाई है, which has quite a good explanation about this one, but still does not completely satisfy the reasoning. But it's your choice. Link in the description. सवाल, तो क्या paradox का solution है? The answer is नहीं, क्योंकि ये बगैर आंसर के सिनेरियो होते हैं जिनके जवाब निकालना तकरीबन नामुमकिन ही है। फॉर example, पहले मुर्गी आई या अंडा, एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। मुझे जरूर बताएं कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला। YouTube पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें, www.youtube.com/mychannelvideo, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।